नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ये आप कह सकते हैं इतने ज़्यादा कमेंट्स और वो भी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एंथोजियास्टिक कमेंट्स कि भैया स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा वो निवेशक मेरे को याद है एक का कॉमेंट था दोस्तों एक समय में जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता था लगातार क्योंकि देखिए स्टॉक के ऊपर अब वीडियो बनाने का कोई मुझे मतलब नहीं दिखता क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वीडियोज़ बनाता हूँ उस समय बनाता हूँ वीडियो जब हर कोई स्टॉक को आप कह सकते हैं या तो भला बुरा कह रहा रहता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है उस समय स्टॉक के ऊपर मैं लगातार वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि वही समय मुझे लगता है असली समय होता है इन्वेस्टमेंट का एक समय एक और ने बात कही दोस्तों कि भाई ऐसे जो स्टॉक मरे हुए रहते हैं उसके ऊपर क्यों वीडियो बनाते हैं मैंने रिप्लाई किया था उनको मैंने साफ कहा था कि देखिए भाई इन्वेस्टमेंट जो की जाती है ना वो मरे हुए स्टॉक्स पे की जाती है मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड किया जाता है और वही हाल अभी इस स्टॉक का है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आई शेयर बाय होल्ड और सेल ऐसा बहुत सारे निवेशकों के मन में होगा कि भैया क्या करें इस लेवल्स पे खरीदें और ख़रीदें क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप मैं बताऊँ स्टॉक की तो ये वीकली और आप कह सकते हैं चाहे वो डेली बेसिस पे हो वॉल्यूम्स उससे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं पिछले दो दिनों से दोस्तों ह्यूमंगस वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्लस अगर आप बात करेंगे भैया अभी यहाँ खरीदें कि नहीं ख़रीदें तो देखिए मेरा आज भी वही स्टांस है जब ये पैंतीस रुपये में था जब ये पचास रुपये में था और आज ये सिक्सटी सिक्स रुपीज़ के आसपास है ट्वेंटी परसेंट का अपर सर्किट लगा है मेरे ख्याल से आज मैं तो भी यही कहूँगा शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं आराम से निकल जाएँ मोमेंटम में अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं पैंतीस रुपये चालीस रुपए के आसपास स्टॉक है इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है बेच के निकल जाएं लेकिन लॉन्ग टर्म में हैं आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटी है तो स्टॉक में बने रहें दो डिस्क्लोजर दे दूँ पहला मैं या मेरी फैमिली मेम्बर दोस्तों स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं बहुत निचले स्तरों से हैं लगभग मेरे ख्याल से पच्चीस छब्बीस रुपये के आसपास है ठीक है और एक दो ऊपर एक दो रुपये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं मेरे छब्बीस तो रुपये है यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ऑन एन एवरेज है विजन लॉन्ग टर्म का था और मैंने कहा था आई आर में ना अच्छे डिविडेंट प्ले है कॉन्स्टेंट आपको ये आप कह सकते हैं एक काफ़ी डिसेंट सा नंबर लगातार देता रहता है गवर्नमेंट बैक कंपनी है एनपीए होने के इश्यूज ही नहीं हो सकते ठीक है एम होने के चांसेस बहुत कम है देखिए कोई भी बात सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कह सकते बट स्टिल जिस लेवल में स्टॉक ट्रेड का गवर्नमेंट बैक कंपनी है तो एम होने के चांसेस बहुत कम है चार पाँच पर्सेंट का आपको डिविडेंट देता है लॉन्ग टर्म रखें और आप देखिए आई में ना वीडियो तब से मैं बना रहा हूँ जब स्टॉक बीस से पच्चीस रुपए को तोड़ता ही नहीं था एक सवा साल डेढ़ साल से ज़्यादा हो गए थे मेरे ख्याल से स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस को भी टच नहीं कर रहा था जी हाँ उस समय जब भी मैं वीडियो बनाता था घटिया स्टॉक है बकवास स्टॉक है लेकिन मैं उस समय यही कहता देखो भाई ये स्टॉक अभी के लिए नहीं है जिस प्रकार के ये स्टॉक के नंबर्स आ रहे हैं लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टॉक चल नहीं रहा है ये यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स बना के देगा और आज वही हुआ है दोस्तों ठीक है और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई देखिए करेंटली अगर आप स्टॉक को देखेंगे बिल्कुल ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है बिल्कुल इसका नेक्स्ट रिजेंस सत्तर रुपये के आसपास दिखता है लेकिन जब स्टॉक ना एक काफ़ी मोमेंटम में आ जाता है तो चाहे वो निचले स्तरों पर जा रहा हो या ऊपर स्तरों पर कुछ नहीं दिखता कहाँ जाके रुकेगा कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों लेकिन हाँ सेवेंटी के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है स्टॉक का एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए देखिए अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे जाएंगे अगर आप एनालिस्टों को पढ़ेंगे तो हर कोई एक ही बात कह रहा है फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट अपना प्रॉफिट बुक कर लें और स्टॉक में आराम से बने रहें मैं क्या कह रहा हूँ देखिए मुझे भी ये लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको हमेशा करनी चाहिए इन स्तरों पे भी आपको करनी चाहिए देखिए मैंने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है बट शायद आने वाले कुछ समय में अगर सेवेंटी के ऊपर जाता है तो शायद मैं एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग शायद करूँ दोस्तों ठीक है बट मेरे पास स्टॉक बहुत नीचे से है दोस्तों और फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फंडामेंटली स्टॉक कहीं वीक हो या ऐसा हो बिल्कुल नहीं बहुत टॉप नॉच स्टॉक है और जिस प्रकार से दोस्तों अभी आप कह सकते हैं जो रेलवे uh, मिनिस्ट्री है जो सरकार की तरफ से बयान आया है फाइव लाख करोड़ रुपीज के आसपास का आम बंटन दिया गया है दो तक तो इसका भी एक कह है सकते हैं रीजन हो सकता है कि इसे इतना ज्यादा बूस्ट मिल रहा है स्टॉक को बट आपको पता होगा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ इसके नंबर आने से पहले भी कहता था कि ज़्यादा होप को ना आप कह सकते जब बढ़ाइए ना ना घटाइए ये एक कंसिस्टेंट स्टॉक है कंसिस्टेंटली उसी प्रकार के रिजल्ट देता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना इससे अच्छे स्टॉक्स नहीं हो सकते मुझे याद है उस समय जब लगातार वीडियोस बनाते थे दो तीन आप कह सकते हैं व्यूअर का मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे से याद है दस हज़ार शेयर उन्होंने मैं ये दूसरी बार शायद एग्जाम्पल दे रहा हूं दस हजार शेयर उन्होंने इक्कीस रुपये में खरीदा था और बोला था देखिए सर दस साल के लिए ले, ले रखा उस स्टॉक को और भूल गया हूं स्टॉक को आप सोच सकते हो आज वो कितने ज्यादा प्रॉफिट में बैठे होंगे और ये तो मात्र कैपिटल अप्रिसिएशन है हर साल उनको चार से पांच परसेंट के आसपास का डिविडेंड डिविडेंट आराम से मिलेगी मोर और लेस आप कह सकते हैं एक सेविंग्स अकाउंट से तो ज्यादा की ही उनको आप कह सकते हैं इससे कमाई हो रही होगी तो आई में दोस्तों ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं और इसी लिए मैं इसके ऊपर स्टॉक्स भी नहीं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि वीडियो तब बनाया जाता है जब स्टॉक स्ट्रगल कर रहे हो जब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो अब तो स्टॉक भाग गया अब यहाँ के ऊपर मैं बनाऊँ कि भैया यह यहाँ से डेढ़ सौ रुपये दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये टारगेट हो जाएगा मुझे सही नहीं लगता तो विजन लॉन्ग टर्म का हो बने रहें चार पाँच पर्सेंट के डिविडेंट डील्ड है आराम से रखे रहे स्टॉक को अपने पास अपने पोर्टफोलियो में लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और अगर आपको लगता है भैया कुछ कैश रख लेता हूं ताकि अगर कभी और किसी अन्य स्टॉक्स में गिरावट हो वहां उसको खरीदने काम आएगा तो एटलीस्ट फोर्टी फिफ्टी परसेंट का बुक करके आराम से स्टॉक को रखे रहें और इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों जब भी कोई स्टॉक काफी अच्छे कह सकते हैं रिजल्ट दे रहा हो या मोरऑलिस कह सकते हैं कॉन्स्टेंटली तो थोड़े थोड़े अच्छे नंबर्स दे रहा हो लेकिन उसका स्टॉक नहीं चल रहा हो और उसके स्टॉक को ना चले हुए काफ़ी लगातार समय हो गया हो उससे अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता हमने इतिहास ऐसे बहुत सारे स्टॉक देखे हैं टीटागर वैगन आ, आई -टी ये उन स्टॉक्स में से दोस्तों जो लगातार आप कह सकते हैं लंबे समय तक एक रेंज बाउंड में थे अभी राजेश एक्सपोर्ट का नाम लेना सही नहीं रहेगा दोस्तों क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि वो एक से लेकर दो से पंद्रह तक तीस हज़ार परसेंट जी हाँ थर्टी थाउजेंड परसेंट ज़्यादा रिटर्न दे चुका है लेकिन उसके बाद से स्टॉक ना ऑलमोस्ट वही है पिछले आठ साल से रिजल्ट आप उसका देखेंगे पिछले आठ साल का कॉन्स्टेंटली बढ़ते चले आ रहे हैं लेकिन कई निवेशकों को लग रहा है भाई उस पर कुछ इश्यूज़ हैं तो अभी देखते हैं अगर वो यहाँ से भी एक काफ़ी अच्छा रनअप दे देता है दोस्तों एक ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी परसेंट का तो वही बात क्लियर हो जाएगी लेकिन हाँ राजेश एक्सपोर्ट कुछ चीज़ों में इस स्टॉक से अलग है क्या वो मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ आप जाकर के राजेश एक्सपोर्ट्स का वीडियो मेरा देख सकते हैं जब वो एकदम लो पे था तब मैंने बनाया था तो आप समझिए इस चीज़ को कि आई अगर लॉन्ग टर्म विजन है बने रहें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लें तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि लगातार आप कह सकते हैं कमेंट्स में आ रहे थे कि क्या करें कैसा है क्या है तो आप यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है जय हिंद